देखिए बनारस की जनता जूता और चप्पल माला लेकर खड़ी है स्टेशन पर। जैसे ही प्रधानमंत्री उतरेंगे उनको जूता और चप्पल पहनाकर माला से स्वागत किया जाएगा। पहले देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि आपके शासनकाल में पाकिस्तानी आतंकवादी लखनऊ में कैसे पहुँचा, ये बॉर्डर के अंदर कैसे घुस गया। देश में भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर देश हित में आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है तो आप पूरे देश में लागू दीजिए। आखिर आप बताइए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ जाता है तब वहां से मंत्रिमंडल में जनता को वहां वो किया जाता है, नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। अरे ये भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण बना रही है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के नाम पे हिंदुत्व 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 करेगी। आज आप देख रहे होंगे भाजपा को जिताने के लिए भाजपा के लखनऊ पहुंच चुका है अलकायदा। अब भारतीय जनता पार्टी वही धर्म की बात, जनसंख्या नियंत्रण की बात और सिर्फ एटीएस देख रहे हैं। इतना बड़ा खुफिया एजेंसी है, उत्तर प्रदेश में ही आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अरे सिर्फ और सिर्फ जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जिला अध्यक्षों का चुनाव, जो इन्होंने गुंडा तंत्र के राज पे इन्होंने चुनाव जीतने का काम किया है, उस नाकामियों को छुपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी अपने कितने हद तक जीत सकती है आप बताइएगा। आप इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी से जाके पूछिए कि रोजगार पे बात 5 मिनट हो सकती है, नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर वही धर्म की बात हो, हिंदू मुसलमान को आपस में रंग भेद में लड़ाने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के लोग वही बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दा चुनाव में होता है, चुनाव में मुद्दा क्या होना चाहिए? विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। लेकिन इन सब से भारतीय जनता पार्टी नदारद है। क्या विज्ञापनों से जीवन यापन चलेगा? पर जनसंख्या नियंत्रण कोई किसी समुदाय के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए थोड़ी आया, सभी के लिए आया, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, सभी के लिए तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून संसद भवन में, विधानसभा में पारित कीजिए, लोकसभा में, पूरे देश में लागू कीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव को, जब चुनाव आता है तब इनका प्रोपेगेंडा चलने लगता है कि कहाँ मंत्रालय बदलने हैं, कहाँ कौन सा वो लाना है, कहाँ धर्म पे राजनीति करनी है। बंगाल में जब चुनाव होता था तब हिंसा होती थी तो बंगाल में टीएमसी के गुंडे थे। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या चोला पहन के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे या पाकिस्तान से आतंकवादी पहुंच गए हैं? आप उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बना रहे हैं। आप गुंडा तंत्र जब भारी है उत्तर प्रदेश में और जनतंत्र का चीरण जारी है, वही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ इसको दीमक की तरह चाटा गया है भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। अब कि मोदी जी 15 तारीख को अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं तो खुली चुनौती है कि आपको बनारस की जनता आपकी बार स्वीकार नहीं करेगी, आपको वहां से पैदल वहां से आना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने का काम किए हैं और जनता की आवाजों को दबाने का काम किए हैं। इस सरकार ने तानाशाही केवल कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया। उत्तर प्रदेश में आप खड़े होइए, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपने हक की बात करेंगे तो आपको जेलों की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है तेरी जेल में कितनी, देख लिया है देखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी आवाज को नहीं दबा सकती है। हम अपने हक के लिए इस सरकार के सवाल पूछते रहेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी सवाल आपको स्वीकार नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए और आप झोला उठा के जो कहते थे 2014 में कि मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, तो आपको जनता चाह रही है कि आप फकीर हैं, आप झोला उठाइए और सत्ता की कुर्सी से छोड़ के आप पहुंचिए, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। ये सिर्फ और सिर्फ चोला पहन के और जुल्म करने का काम उत्तर प्रदेश हो या देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। यूपी की हम बात कर रहे थे, यूपी में गुंडा तंत्र तो जो था उसको खत्म किया है योगी सरकार ने, ऐसा उनका दावा है। देखिए ये सरकार 2017 में आई और उन्होंने यह वादा किया था कि हम गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे, हम गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से अपराध मुक्त नहीं बनाने का काम किया, गुंडा मुक्त बनाने का काम नहीं किया है, हमको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में इनको बकसेंगे नहीं। बल्कि जिस तरीके से किसान और तमाम लोग आज सड़क पर बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि किसान भी इन उनकी सरकार नहीं चुनेगा जो किसानों की बात नहीं करता है, युवाओं की बात नहीं करता है, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करता है। पर ये सारे मुद्दे तो फेल हो जाते हैं ना, जब गांव देहात में जाएंगे वो कहेंगे कि हमें
स्वाभिमान से जीना सिखा दिया। एक बात बताइए हमको, राजनीति किस पे होनी चाहिए? मुद्दे पे होनी चाहिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी इन तमाम चीजों पर राजनीति होना चाहिए ना, कि हिंदू मुस्लिम पर राजनीति होना चाहिए। 7 महीने से 8 महीने से किसान बैठे हुए हैं, इनकी सुनने को कौन तैयार है? हम एक युवा होने के नाते किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन हमको क्या बोला जाता है? खालिस्तानी आतंकवादी बोला जाता है, पाकिस्तानी बोला जाता है। तो भाई किसान कहाँ से आए हुए हैं? ये भी तो देश के हैं, इनको कोई नहीं सुन रहे हैं आप? कोई नहीं सुनने को तैयार हैं? आज देखिए किसान तमाम लोग मन बना चुके हैं कि हम वैसी सरकार को चुनेंगे जो किसानों की बात करेगा, किसानों की आय दोगुनी की बात करेगा, मंडी की व्यवस्था करेगा, उनको हम सरकार चुनने का काम करेंगे। जो हिंदू मुस्लिम करेगा वैसी सरकार को हम वोट देने का काम नहीं करेंगे। महंगाई भी एक मुद्दा है और महंगाई को जिम्मेदार ठहराते हैं जनसंख्या को। नहीं बिल्कुल, महंगाई बहुत बड़ी महंगाई जिम्मेदारी है। आज 110 रुपये पेट्रोल, 105 रुपये डीजल और 900 रुपये का सिलेंडर बढ़ चुका है। इस महंगाई को सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं है तो 110 रुपए पेट्रोल कहां से खरीदेंगे, 105 रुपए डीजल कहां से खरीदेंगे, 900 रुपए सिलेंडर कहां से खरीदेंगे? ये तो सरकार को सोचने वाली बात है ना। सरकार सोचे, ये किसान किसान सरकार के लोग सोचते रहे, वो कह रहे हैं जिनको महंगा लग रहा है वो साइकिल से चले। अब बताइए महंगा लग रहा मतलब कुछ दिन के बाद ये भी कहेंगे कि अगर चावल महंगा हो गया तो खाना छोड़ दो, आटा महंगा हो गया तो खाना छोड़ दो, दाल महंगा हो गया तो खाना छोड़ दो, तो क्या हम भूखे मर जाएं? मतलब सरकार के हिसाब से तो हम जैसे गरीबों को मारना चाहती है, बस अमीरों लोगों को बड़े बड़े बिल्डिंग वाले को अमीर बनाना चाहती है, यही तो सरकार चाह रही है भाई, और दूसरा कुछ नहीं है। हम जैसे गरीबों को कोई नहीं पूछ रहा है, किसान को कोई नहीं पूछ रहा है, युवा को कोई नहीं पूछ रहा है, जो रोजगार की बात कर रहा है उस पर कोई नहीं पूछ रहा है, बस केवल मस्त हैं बाबा मस्त व्यस्त है। तो उनकी बातों पर चुनाव में वोट भी तो जाते हैं ना, बाबा की बातों के बाद कौन चुनाव में वोट दे रहा है? आप अभी बात आपकी हुई कि गांव के लोग वोट देंगे, नहीं, मैं एक गांव से आता हूं और मैं वहां पे वहां के लोगों को मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए ग्रहण है, चाहे वो छात्र के लिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, चाहे देश की बात करिए चाहे प्रदेश की बात करिए, युवाओं को जाहिल बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ जाहिल बनाने का काम किया जा रहा है। आप बताइए मोदी जी, 19 तारीख से मानसून सत्र चालू हो रहा है संसद भवन में, इस सरकार को अब की बार जनता पहुंचने का काम करेगी, चाहे किसान हो चाहे छात्र हो, रोडों पे उतर जाएगा क्योंकि महंगाई चरम पे है। आप बताइए 200 रुपये तेल, मतलब 200 रुपये सरसों का तेल और 100 रुपये पेट्रोल, तो महंगाई अब की बार भाजपा को भगाने का काम करेगी ये सत्ता में। आपको नहीं लगता देश हित में है महंगाई? अच्छा देश हित में, आप मैं खून बेचता रहूं, आप खून सिरिंज निकाल के खून बेच के हमारा अच्छा विकास, मोदी जी का विकास होगा। आप बताइए अभी कृषि मंत्री जी 1,00,000 करोड़ का जुमला फेंक चुके हैं कि किसानों की मंडियां नहीं खत्म होगी, 1,00,000 करोड़ हम किसानों के लिए देंगे, अभी अब उनके घोषणा में। और यही जब आत्मनिर्भर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी, 20,00,000 करोड़ आखिर वो कहां चला गया जुमला? ये सिर्फ और सिर्फ जुमला दिया जाता है, वो इसे मंत्रालय में कहेंगे कि सरकार का खजाना खाली है, लेकिन पैकेज के लिए 1,00,000 करोड़ का पैकेज दे दिया गया है। अरे जुमला सरकार है, जुल्मी सरकार है, ऐसी सरकार को अब सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी का विनाश आ गया है और इसकी जनता सर्वनाश करेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आने वाला 5 राज्य का विधानसभा चुनाव, वहां से सुपड़ा साफ होगा और उसके बाद ये केंद्र में मोदी जी की सरकार भी कुर्सी टूटेगी और उनको धड़ाम दे गिरना पड़ेगा जैसे वो सत्ता में आए थे। तो अब कुर्सी टूटने का काम है, कुर्सी तोड़ने का समय आ गया इस सरकार का। जनसंख्या को लेकर आपसे एक सवाल कर लेता हूँ, जैसे ही इस पर बात हो रही है यूपी को लेकर, तो ये सवाल भी उठ जाते हैं कि इसमें जो है मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है, तो ये तो सच्चाई नहीं हो सकती। देखिए एक बात बताइए हमको, अगर आपके 4 बच्चे होंगे तो एक बॉर्डर पर जाकर देश की रक्षा करेगा, एक बेटा कलेक्टर बन के देश की रक्षा करेगा, एक बेटा पत्रकार बनेगा, एक बेटी डॉक्टर बनेगी, अगर एक बच्चा रहेगा तो आप तो अपने घर में रख लीजिएगा, देश की रक्षा के लिए कौन भेजेगा? देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। एक बात बताइए, अगर जनसंख्या देश का विकास में बाधा है तो दुनिया का सबसे कंगाल देश चाइना का होना चाहिए और सबसे अमीर देश नेपाल को होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में है और सबसे कम नेपाल में है। देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, ठीक है मैं स्वागत करता हूं। क्या केवल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बढ़ रहा है?
पूरे देश में बढ़ रहा है, तो पूरे देश स्तर पर जनसंख्या कानून लाना चाहिए, लेकिन उसको धार्मिकरण नहीं करना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जातिवादीकरण नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग स्टूडियो खोलिए ना, आप आज तक चैनल खोलिए, जीव न्यूज के लिए तमाम चैनल को खोलिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के कह रहे हैं कि ये कानून मुसलमानों को कस देगा, प्लस सिरिंज लगा देगा, मुसलमानों पर दबाव डाल देगा। मुसलमानों को क्यों दबाएगा? नहीं, नहीं, यही तो बात। ये लोग देखिए, ये राजनीतिकरण हो रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम को बांटकर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ा जाए और विकास के मुद्दे से भटका कर राजनीति किया जाए। यही तो टीवी स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, जिनके माँ बाप की 7वीं संतान है वह ये कह रहे हैं कि दो बच्चे पैदा करो, जो अपनी माँ बाप की 5वीं संतान है वो बोल रहे हैं कि दो बच्चे पैदा करो। रवि किशन गोरखपुर का सांसद ये कानून को लोकसभा में पेश करने का काम करेंगे, खुद उनके 4 संतान है और वो बता रहे हैं कि दो बच्चे पैदा करें। फ्यूचर की बात करें, आगे से अभी जो हुआ है उसे छोड़ देखिए। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूं इन सब चीजों को, लेकिन जिस तरीके से जनसंख्या कानून के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये मतलब राजनीतिकरण किया जा रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये कानून लाया गया है, हमको नहीं लग रहा कि इससे कोई फायदा होगा। लेकिन मैं जनसंख्या कानून का स्वागत करता हूं, लेकिन नेशनल लेवल पर कानून बनना चाहिए। आप बताइए, टीवी स्टूडियो में बैठ के कहते हैं कि 10-10 मुस्लिम के बच्चे हैं, 10-10 मुस्लिम है। अरे भाई, बच्चे किसी के भी अधिक हो सकते हैं, ये कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। आज भी जाएंगे किसी भी समाज में, उनके भी कम बच्चे हैं, हमारे भी कम है, लेकिन जिस तरीके से टीवी स्टूडियो में बैठकर ये किया जाता है, कहीं ना कहीं मतलब हिंदू मुस्लिम तनाव किया जाता है, भेदभाव किया जाता है आगामी विधानसभा को चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दे से ये भटकाएंगे, ये मुद्दे पर लाने का काम करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात करेंगे। ये गुंडे ही देखिए ना, उत्तम प्रदेश बनाने की बात ही तो योगी आदित्यनाथ। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, 5 साल में उत्तर प्रदेश को ऐसा उत्तम प्रदेश बना दिया कि हमारी बहन को कपड़े नोच लिए गए, हमारी बहन को दुपट्टा खींच लिया गया। आप देखे कि नहीं, लखीमपुर खीरी में एक अनीता जाधव थी, जब प्रस्तावक थी उनको जाने नहीं दिया, उनको रोक लिया। जब लोकतंत्र तो तब खत्म हो गया उत्तर प्रदेश में जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए लोग पर्चे दाखिल करने जा रहे थे तो पर्चे छीन लिए जा रहे थे। यही तो लोकतंत्र है, यही तो उत्तम प्रदेश है। ये कहते थे गड्ढे मुक्त बनाएंगे, अपराध मुक्त बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ इनका वादा? वादा तो फेल हो गया ना, इनके तो हवा निकल गई गुब्बारे से हवा। ये लोग तो झूठे लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज चुनाव आया है, कह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे, बिहार में बोलते थे, अब बोल रहे हैं कि इतने लाख रोजगार देंगे। चुनाव खत्म होते ही रोजगार खत्म। प्रधानमंत्री मोदी 15 तारीख को जा रहे हैं वाराणसी और शुरुआत बिल्कुल फूकेंगे यूपी चुनाव का। देखिए, बनारस की जनता जूता और चप्पल माला लेकर खड़ी है स्टेशन पर, जैसे ही प्रधानमंत्री उतरेंगे उनको जूता और चप्पल पहनाकर माला से स्वागत किया जाएगा और प्रधानमंत्री जी से कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि हमें गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल में उत्तर प्रदेश की जनता को गंगा नदी में बिना अंतिम संस्कार किए तैराने का काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब बनारस की जनता इनसे ऑक्सीजन मांग रही थी तो ये क्या कह रहे थे? जब वेंटिलेटर मांग रही थी, दवा मांग रही थी, पानी मांग रही थी, मांग रही थी, तो प्रधानमंत्री कहां थे? बंगाल में चुनाव में व्यस्त थे। तो भाई, आप चुनाव में व्यस्त थे तो वोट मांगने क्यों आ रहे हैं? बंगाल जाइए। बंगाल के अंदर चुनाव था तो बंगाल के अंदर हिंदू खतरे में था और बंगाल में चुनाव खत्म होते ही यूपी में अब हिंदू खतरे में आ गया। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश में पूरे देश से दुनिया से आतंकवादी आएंगे। पहले देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि आपके शासनकाल में पाकिस्तानी आतंकवादी लखनऊ में कैसे पहुंचा, ये बॉर्डर के अंदर कैसे घुस गया, ये विषय है। हमको तो लग रहा है प्रधानमंत्री खुद घुसवाए हैं चुनाव में लड़ने के लिए, आदित्यनाथ योगी जी घुसवाए हैं चुनाव लड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। आप बताइए, कैसे आतंकवादी घुसा हमारे देश में? हमारा गृह मंत्री क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? इनको इस्तीफा देना चाहिए अपने पर जिम्मेदारी लेकर। ये लोग कहते थे 56 इंच का सीना है, मोदी जी देश चलाने के लिए सीना की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। हम तो प्रधानमंत्री को नहीं लग रहा है कि दिमाग में क्या हो चुका है, इनका चेक करवाने की जरूरत है, क्योंकि मुद्दे से भटक कर राजनीति कर रहे हैं।